मेरा नाम है बुल्ला, मैं रखता हूँ बुल्ला। तो मेरा और अम्मी जी का एक ही सीन था, हम लोग तेलुगु फिल्म कर रहे थे। तो वहाँ ऐसे ही मैंने कहा, मैं कहा सर हमारी ये सूर्यवंशम तो बहुत आती है। कहते हाँ यार, हम भी हैरान होते हैं और सबने देखी है, मैं बहुत लोगों ने देखी है और बात भी होती है। वो सलमान भी शाम को बैठना पसंद करते हैं, गपशप लगती थी, तो इनिशिएटिव भी लेते हैं कि सब बैठे। विलन के रोल में ज्यादा आपने भी सोचा होगा यार मेरे को भी हीरो तो बनना चाहिए, इतना मैं अच्छा हूँ, सब बढ़िया है। गंभीर रावण क्या है कि स्टेज पे ना उसको स्ट्रेट प्ले करना बड़ा मुश्किल है, तो क्योंकि लोगों के अंदर बैठी हुई है। अच्छा, मैं रावण, जब बीच में मौका मिलता था तो हम बैठते थे, वो भी बातचीत करना पसंद करते हैं, अमीर की नेचर है। कि रणबीर इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर, दुनिया मान रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसको हम पूछते हैं, उनका घर अभी बन रहा है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या है यार, हम कैसे देश में हैं। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी सुबह एक घंटा निकालते हैं, हमारे मोदी जी एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। तो सर जैसे रियल लाइफ में आप पॉलिटिशियन बने, कभी असली जिंदगी में रियल लाइफ में भी आपका इरादा है इलेक्शन में आने का, नेता बनने का, देश के लिए काम करने का? नो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लहरे और मेरा नाम है ईशान। तो आज जिस शख्सियत की मैं आपको मुलाकात कराने वाला हूं, जी हां, इनका नाम है बुल्ला और करते हैं ये खुल्ला। जी हां, मुकेश ऋषि सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपको भी ईशान। गंभीर जी, बहुत फ़ोन करते हैं आप। अरे सर, आपको सर फ़ोन करना ही पड़ा सर, आप न्यूजीलैंड में शूटिंग कर रहे थे, फिर उसके बाद आप आए, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ईशान, आपको भी और आपके देखने वालों को भी मेरा नमस्कार। तो सर पहला क्वेश्चन यही ले लेते हैं कि क्यों करता था बुल्ला इतना खुल्ला? कहानी जो कहती है वो करते हैं यार, बुल्ला भी वही करता है जो कहानी का अर्जुन करता है, जो कहानी का सूर्यवंशम करता है, जो कहानी का सरफरोश का लीड रोल है वो करता है। तो जो कहानी जैसा कहती है वैसा हम करने की कोशिश करते हैं। तो सर जब ये गुंडा नामक आपने फिल्म करी तो उसके डायलॉग्स जो थे वो थोड़े से ज़्यादा खतरनाक या बिलो द बेल्ट थे, तो आपको उस फेज़ में लगा कि यार मैं ये पिक्चर तो कर रहा हूँ, अब इसके डायलॉग्स लोगों को कैसे लगे हैं, क्या लगे हैं? थोड़ा फील तो हुआ था, क्योंकि उस वक्त दो या तीन लोग इस तरह की फिल्में बनाते थे, और उनमें से हमारे कांति शाह साहब सर वो बनाते थे इस तरह की फिल्में। उस वक्त मैं नया ही आया था, विलन के रोल किए थे, और जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो जब मैं खुद बोलने लगा, क्योंकि हमें तो कोई स्क्रिप्ट जैसी चीज़ तो मिलती नहीं, ना ही पता हो कि पढ़ लिया है मैंने इसलिए मुझे पता था, ऐसा कुछ नहीं था। जब सेट पर पहुँचे तो लाइनें जब बोलनी शुरू की तो शब्दों के साथ, क्योंकि शब्द ऐसे थे उनके साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी थी अपने आप की, क्योंकि रेगुलर लाइनें नहीं थी। हाँ, इधर उधर हुआ तो फिर हाँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर टोन पकड़ना था, क्योंकि लाइनें ही ऐसी थी और लाइनें आपको अलो ही नहीं करती थी कि मेरा नाम है बुल्ला, मैं रखता हूँ खुल्ला, वो इस तरह अलो ही नहीं कर पा रही थी आप। वो फिर क्या, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ शक्ति कपूर जी थे, मोहन जोशी साहब थे, अपने हरीश जी थे, सब लोग थे, तो सबको जब मैंने देखा वो सब का उसी तरह का तरीका था, क्योंकि ये सारा क्रेडिट लिखने वाले को जाता है। जी सर, राइट, बब्बर साहब थे राइट। हाँ, मैं उनको जब से बुल्ला की बातें निकली हैं मैं बहुत कोशिश की उनको कि ढूंढूं, मुझे उनका नहीं पता चला कि कहाँ है, लास्ट पता चला मीरा रोड में है। ओके। लेकिन नहीं जान पाया मैं, क्योंकि मैं उनको खुद मुबारकबाद देना चाहता था, बुल्ला की बात की थी। उस वक्त जब करता शूटिंग में शुरू में ही मुझे लगा गलती कर दी। हाँ। और कुछ सीनियर एक्टर ने भी कहा कि तेरे को क्या ज़रूरत थी ये करने की, क्योंकि मैं नया नया विलन था और उस वक्त अच्छी फिल्में, बड़ी फिल्में कर रहा था। तो मैं चुप हो गया कि मैंने क्यों किया, मुझे नहीं पता था। तो एनीवे फिल्म बनी गई, फील भी हुआ कि ये क्यों इस तरह हुआ, क्यों बोल रहे हैं हम लोग ये लाइनें, इसका एक अलग ही किस्म का जॉनर था। तो वो सब हो गया, रिलीज़ होगी, सब होगी। लेकिन उसके कई सालों के बाद जब कंप्यूटर जी आ गए और लोग देखने लगे कंप्यूटर पे चीज़ें, मुझे सबसे पहले अगर किसी ने बुल्ला की बात बताई ऑन नेट तो होते सैफ अली खान साहब। ओ
हम दोनों एक फिल्म के सिलसिले में, मैं अपनी वो अपनी हैदराबाद ट्रेवल कर रहे थे साथ में, तो उन्होंने मुझे कहा कि तेरे को आइडिया है कि नेट पे तेरी एक फिल्म है? मैंने कहा नहीं सर। बोले एक फिल्म है तेरी बुल्ला? मैं कहा जी। बोले वो उसको यंग जनरेशन ने इतना एक्सेप्ट कर लिया है कि देना मोस्ट सीन फिल्म है वो, मोस्ट हर डायलॉग, तो इस तरह की कई शब्द लाइनें उन्होंने यूज़ की कि लोग देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। और फिर उसके बाद वो बहुत ही पॉपुलर होती चली गई, फिर फॉरेन से भी फ़ोन आने लगे, जनरेशन यंग थी वो, उन्होंने भी खुल के बात करना शुरू कर दी। कहीं फंक्शन में जाते थे तो बुल्ला की लाइनें सुनाओ। तब मेरा जो उस वक्त के जो विचार थे उससे ये फ़र्क महसूस हुआ कि आज की जनरेशन जो है, उस वक्त मैंने खुद इसको लगा था कि ये क्यों मैं इस तरह बोल रहा हूँ, ये शायद ठीक नहीं है जो एक एक ड्यूटी होती है आपकी। लेकिन जब यहाँ तक पहुँचे तो आज की यंग जनरेशन ने उसको उसका उसको ह्यूमर में ले लिया, उसकी किसी चीज़ का बुरा नहीं माना। तो ये फ़र्क पड़ता है कभी कभी, जिन लोगों की हम सोचते हैं कि ये लोग क्या सोचेंगे, और वही जनरेशन 15-20 साल बाद सोचती है कि वाह व्हाट ए ह्यूमर। तो मुझे लगता है अभी आज के कुछ सालों से बुल्ला को उसी रूप में वो लोग देख रहे हैं और उसी तरह इंजॉय करते हैं। तो सर आपने अनुमान लगाया था या मन में सोचा कि 30 साल बाद या 25 साल बाद ये डायलॉग इतने चल जाएंगे कि सब लोग यही बोल रहे हैं? नहीं, सपने में भी नहीं। ओ माय, उस वक्त होता भी नहीं था कि फिल्में थिएटर में लग जाती थी, इस तरह की फिल्में बार बार लगेंगी, अगर लगती भी थी तो इंटीरियर्स में लगती थी, ये फिल्में रिपीट होती थी। लेकिन ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सालों बाद इस तरह हो जाएगा, जो नेट जी हैं वो इतने मतलब सब तक पहुंचा देंगे इन चीज़ों को, मीम्स बना देंगे। आई थिंक अगर कुछ इसमें अच्छी बात थी तो जनरेशन की, जिन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया कि इसके ह्यूमर को, और उसका कोई बुरा नहीं समझा कि जो है जो सुन रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं। कई बार कॉमेडी इस तरह भी होती है, कहीं भी जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी होती है, तो मुझे ये सब का मिलावट थी ये। नहीं, वो बहुत अच्छा। तो सर एक बात होती है अंग्रेजी में कि लव एट फर्स्ट साइट, तो ऐसे ही एक बहुत महान डायरेक्टर है हमारे प्रिय दर्शन जी, जिन्होंने भागम भाग, खट्टा मीठा, हलचल ये सब पिक्चरें बनाई। तो एक ऐसा वाक्यात हुआ था कि आप किसी ऑफिस में जा रहे थे और दरवाज़ा खुला, वो खड़े हुए थे, वो आपको मिले और उन्होंने देखते ही आपको बोल दिया दैट यू आर सिलेक्टेड इन माय फिल्म। उस वक्त मैंने कोर्स अपने जो होते हैं मधुमति जी और रोशन तरेजा जी के यहाँ से कोर्स किए थे, तो कोर्स में मेरे साथ जो लोग थे वो आसपास उन्हीं दिनों निकले, और कोई कोई ईस्ट जा रहा है, कोई वेस्ट जा रहा है स्ट्रगल के लिए, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो उस तरह जो एक दोस्त था वो उस कंपनी के प्रोडक्शन वाले के पास पहुंचा। okay. वो पहुंचा एज ए ड्रेस डिज़ाइनर, जबकि उसने एक्टिंग का कोर्स किया था। तो वहाँ उसकी बात निकली कि हम एक लड़के की तलाश में हैं जो वेल बिल्ड हो, टॉल हो, इस तरह का। तो जब वो सुना तो उसने कहा यार मेरे साथ लड़का कोर्स करता था, अगर तुम चाहो तो। तो उन दिनों ये मोबाइल तो थे नहीं, तो वो टेलीफोन उसने मेरा नंबर दिया घर का। हाँ जी, घर पे मैसेज मिला मेरे को, तो मैंने उनसे किया। तो उन्होंने मुझे बुलाया, और बुला के उन्होंने जब मुझे देखा तो मतलब उनको लगा कि मैं इसके आगे वाली स्टेज में जाने के लायक हूँ, जो मुझे उन्होंने वहाँ देखा। तो बातें की तो बोले आ रहे हैं प्रियम जी, आ रहे हैं, और प्रोड्यूसर साहब भी हैं, आप वहाँ चले जाओ। उनका ऑफिस था यहाँ कलीना में। हमारे जो प्रोड्यूसर थे आर मोहन जी, गुड नाइट मोहन से पॉपुलर थे, क्योंकि उन्होंने एक मस्किटो कॉयल बनाई थी, बहुत पॉपुलर हो रही थी उनकी। वहाँ ये हुआ कि मैं उनके ऑफिस में बैठा था, तो मैं पढ़ रहा था पेपर, ऐसे कुछ देख रहा था, तो सडनली मैंने देखा कि दो चमकते हुए पेयर ऑफ शूज़ दिख रहे हैं मेरे को, चमकते हुए। हाँ, और सारा स्टाफ उठ गया, मैं नहीं उठा। वो मेरे दिमाग में क्या चला मैं नहीं उठा। सर एटीट्यूड तो शुरू से एटीट्यूड नहीं, एटीट्यूड भी नहीं था, अननोइंगली बताता हूँ आपको जी सर। तो मैं नहीं उठा, मैं उसी में रहा। वो मैंने देखा पैरों की हरकतों से, मैंने देखा कि जैसे उनके जो एक्स्ट्रा मूवमेंट वहाँ खड़े रहने के थे शायद वो मेरे लिए थे। तो फिर अंदर चले गए, मुझे बुलाया उन्होंने। तो अंदर प्रियन जी और हमारे प्रोड्यूसर साहब थे। तो प्रियन जी ने इमीडिएटली मुझे आई थिंक विद इन 40 सेकंड ही सेड यस यू आर डूइंग माई फिल्म। मैं हैरान हो गया कि ऐसा किस तरह होता है भाई, तो स्ट्रगल तो करते थे, मिलते थे, इस तरह नहीं होता था। तो फिर उन्होंने कहा ओके यू कम एंड मीट अस यहाँ अपना सन एंड सैंड होटल में,
वहाँ कैमरामैन ठहरे हुए थे वहाँ पे, सर संतोष शिवन बहुत बड़े कैमरामैन थे। फिर मैं उनसे पहुँचा, उन्होंने उनके रूम नॉक किया, वहाँ से संतोष जी निकले, उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने भी ऐसा ऐसे कुछ किया, दाढ़ी उड़ी थी उनकी, देखने के बाद आया ओके ओके ओके, तो मैं ओके हो गया। तो कई बार क्या होता है, अपने हर डायरेक्टर की ना एक अपनी तरह की एक सोच होती है, एक पावर होती है, जिस तरह का करैक्टर उनको चाहिए था वो तो मुझ में दिख गया उनको, उससे करवाना क्या है, उसका भरोसा उनको मुझसे कहीं ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने मुझसे एक लाइन नहीं बुलवाई, ऑडिशन ही नहीं हुआ, नहीं एक लाइन भी नहीं बुलवाई उन्होंने। तो कभी कभी बाद में जब लोगों से मिलते रहे या आज के लोगों को देखते हैं तो मैं हैरान था, तो मेरी बाद में जो समझ बढ़ी तो मुझे समझ में आया कि उनको, उनके लिए करेक्टर जो उनके दिमाग में था, जो था एक्स्ट्रॉर्डनरी हाइट वाइड वेल बिल्ड, वो बहुत ज़रूरी था, और जो एक्टिंग का पोर्शन था तो उनको ये तो पता था कि जो आया वो एक्टर ही है इसलिए स्ट्रगल कर रहा है, मिल रहा है, वो मैं करवा लूँगा। तो उसके ऊपर उन्होंने ना तो मुझ पर कोई दबाव डाला, ना ही मुझे कहा कि ये करके आओ, इस तरह करके आओ, कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो वो, उसके लिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ प्रियन जी की। तो सर इसमें आपकी टैलेंट और पर्सनैलिटी तो थी, पर क्या आप इसमें किस्मत को भी कुछ श्रेय देना चाहेंगे, एकदम आपको देखते ही उन्होंने लग, क्या हो सकती है कुछ फैक्टर इसमें? मैं एक चीज़ को आज तक यही मानता हूँ, मैं किस्मत को पहला जगह नहीं खड़ा करता हूँ, मैं उसको तीसरे स्थान पर खड़ा करता हूँ। तीसरे, मैं छोटा सा स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मैं कॉलेज में क्रिकेट वगैरह खेलता था, मैं चंडीगढ़ में वाइस कैप्टन भी था वहाँ। तो मेरे अंदर वो चीज़ है कि अगर आप में है तो आप पहुँचते हो, और पहुँचने के बाद कुछ मौका मिलता तो करते हो, फिर वहाँ किस्मत बैठी है जो आपका वेट कर रही है। इसीलिए आज के एक्टर भी होते हैं कई, वो किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं, नहीं मैं नहीं कहता, कई बार आपको वहाँ पहुँचना होता है, वहाँ दिखता है सामने वाला भी अगर बैठा है। कई बार आपने ऐसे भी देखा कि चलते हुए लोग रोक भी लिया, किसी को ये भी कह दिया कि फिल्मों में काम करोगे, ऐसा भी हुआ है। खूबसूरत लड़कियों को कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाते देखा तो उनसे कहा कि आप मिलिए, आप फिल्मों में काम करना चाहते हैं, ऐसा भी हुआ है। तो वहाँ हो सकता है किस्मत नंबर पहले पे हो, लेकिन सर्वाइव करने की ताकत अगर आप में नहीं है तो फिर किस्मत ऑटोमेटिकली पीछे चली जाती है। तो वो ज़माना और था जब बहुत कम लोग आते थे घरों वालों को बता के, और घर वालों से डरे हुए होते थे, क्या होगा मेरा, किसी ने इंजीनियरिंग छोड़ दी, कोई डॉक्टर बनने वाला था छोड़ के आ गया, तो वो डर रहता था उनके अंदर। जब लेट होते थे और परेशान होना शुरू होते थे, घर वाले क्या कहेंगे, मैं क्या बोलूँ, तो वो उस समय की जो स्ट्रगल है वो आज की समय से बहुत अलग है। अलग क्योंकि आज ये फ़र्क पड़ गया है कि बच्चे डिस्कस करते हैं घर वालों से, ये इंडस्ट्री जो है एक्सेप्टेड है, पहले ये इंडस्ट्री इतनी एक्सेप्टेड नहीं थी ओपनली घरों में जी। अब माँ से बात कर सकते हैं लड़की, बाप से कर सकती है कि मैं जाना चाहती हूँ, मैं कोर्स करूँगी, ये मेरा कोर्स है वहाँ, उसके बाद में तो इस तरह चल रहा है। तो उससे क्या होगा कि फ्लो बहुत बढ़ गया है, जब फ्लो बढ़ता है तो फिर आपकी मेहनत का भी रंग है जो, वो भी निखरना चाहिए, नहीं तो फिर आप गायब हो जाओगे। तो ये उस हालात सिचुएशन में जो होता था मैंने वैसा ही किया, मैं फॉलो किया, मैं भी लोगों को मिला कई ऑफिसेज में क्या। तो ऐसा नहीं है कि उन्हीं ऑफिसेज से बाद में मुझे सेकंड थर्ड फोर्थ फिल्म जो मिली उन्हीं ऑफिस से मिली जहाँ मैं जाता था, चाहे वो फिरोज नडियाडवाला साहब था, यहाँ सलीम साहब के यहाँ से बाजी आमिर खान साहब के साथ मिली, तो वो भी हुआ। लेकिन पहली फिल्म जो थी वो पूरी वो थी कि अगर मेरे उस पर्सनैलिटी से उनको ना कन्विंस कर पाता तो शायद मेरा नंबर नहीं था। और सर उस फिल्म में थे भी दिग्गज लोग, शम्मी कपूर साहब, जैकी श्रॉफ जी, yes। और राज बब्बर साहब ने तो आपको ये कह दिया था कि जैसे आप अगर पठानी पहन के आप वो विलेन लगेंगे तो आप सबको ओवरशैडो कर देंगे। बिल्कुल कहा था उन्होंने, क्योंकि क्या है वो सीनियर थे और उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ा था, मैंने तो नहीं पढ़ा था, मुझसे पूछा, मैं कह नहीं सर मैंने नहीं पढ़ा, बोलते मैंने पढ़ा है। तो ये उनके साथ इवनिंग एक जो से मुझे उस वक्त मौका मिला साथ में बैठने का, तो उन्होंने कहा एक बात याद रखना कि सब लोग
नामचीन हैं इस कहानी में, तू ही नहीं है, है ना, डिम्पल जी भी हैं और जैसे आपने कहा जैकी श्रॉफ साहब है, सब लोग थे, बेदी साहब थे, ये तो तुझे अपना ख्याल रखना और तू ये समझ ले कि जैसे ही तूने पठानी सूट पहना ना, भूल जा कुछ नहीं तेरे सामने, ये वर्ड थे उनके। और वो शब्दों ने मेरे लिए, मेरे एक जादू होता ना जैसे शब्दों का, वो मेरे अंदर चला गया मोटिवेशन। और हर इंसान को कहीं ना कहीं सीनियर से जब मिलती है ना इस तरह की चीज़ तो बहुत पावरफुल होती है। बाहर से जब आती है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इंसान जिसके साथ कैमरा शेयर होने वाला है अगर उनके साथ बैठ जाए और वो कुछ बात कह देना, तो उनकी इस लाइन ने ही मुझे सारा करेक्टर समझा दिया, फिर मुझे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी जी। और मेरा पहला सीन भी उन्हीं के साथ में था, और उन्हीं के पहले सीन में मैं घबराया भी था, और उसी सीन में प्रियन जी को पता चल गया था मैनेज कैसे करना है, मतलब इतने कन्फर्म थे इस बात को लेकर। उन्होंने मेरे को, मेरी कमज़ोरी पकड़ ली उन्होंने, क्योंकि मैं मेरे बाल कट रहे हैं, सामने राजी आते हैं और सामने देखना, कभी आप भी ट्राई करें तो नहीं होता, शीशा भी देखो और बात भी करो, नहीं होता, फंबल हो जाता, आप नहीं हो रहा, नहीं होता। तो उनको लग गया कि मेरी आँख जो है वो उनकी तरफ चली जाती थी, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने वो ये चीज़ें बाद में मेरी समझ में आई जब मेरे पास एक्सपीरियंस आया, उन्होंने थोड़ा सा कैमरा चेंज कर दिया, एंगल चेंज कर दिया, तो मेरी आँख ये नहीं लग रही थी कि मेरी घबराहट की वजह से जहाँ से आवाज़ आ रही है उधर जा रही है। सो ही मैनेज दैट। तो अगेन ये उनका कॉन्फिडेंस था, वो मुझे कह सकते थे, समझा सकते थे, मैं हो सकता था घबरा जाता या कुछ ऐसा माहौल बन जाता कि शूटिंग रुकती, फिर मैं समझाता या 20-25 टेक होते, उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। तो इन दोनों चीज़ से जो बातें हुई शूटिंग के दौरान, उससे मुझे बहुत इनक्रेज हुआ। तो फिर मुझे नहीं लगता उसके बाद मुझे वहाँ शूटिंग में, लाइनों में, किसी चीज़ में भी कोई प्रॉब्लम आई। जी सर, बिल्कुल आप प्रिपेयर्ड हो गए। हाँ एकदम, और तो चॉइस भी नहीं थे ना। आप पहुँच के जो चाहिए वहाँ पहुँचे हो, वहाँ लड़ खड़ाने का मतलब है इधर यू डोंट बिलोंग, जाओ दफा जाओ यहाँ से, या फिर अभी प्रूफ करो। बिल्कुल सर, आपने प्रूफ भी किया और आप हार्डवर्क में ज्यादा विश्वास करते हैं, तो आपने अपना रास्ता खुद बताया और किस्मत फिर पीछे पीछे आई गई है 100%। तो सर एक और सवाल जरा पूछते हैं, आप खीर खाते हैं? खीर मेरी है तो फेवरेट है, वो हमें लगा भी था। आपने ये 20-25 साल पहले किसी को जहर वाली खीर खिला दी थी एक बार, फिर उनका रिएक्शन उन्हें थोड़ा गलत हो गया, हालांकि फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई। एक्चुअली खीर जो है ना, ये रात को शूटिंग से जाओ ना 1-2 बजे, तो सबसे पहली चीज़ खाने का मन करता था कुछ ठंडा, तो खीर से बढ़िया कोई चीज़ नहीं होती थी। तो वाइफ को भी मालूम था तो भी बना के रखती थी, तो वैसे ही खीर तो सब पंजाबियों को या सब पसंद है वो। और वही आपने वो कहानी सर सूर्यवंशम में जो थी, वो कभी कभी कुछ चीज़ें जो स्क्रीन पे दिखती हैं वो यंग लोगों में बहुत पॉपुलर हो जाती है, तो मुझे लगता है उस फिल्म के दौरान जब फिल्म चली तो उसके बाद फिल्म टीवी में बहुत बार आई, तो टीवी में बहुत बार आई तो बहुत से फैमिलीज ने देखी, तो बच्चों के रिएक्शन जो थे इन छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत थे, खीर खिलाने ये करना, तो वो उससे फिर थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो बहुत शायद पॉपुलर हुई, ये सब लाइनें वहाँ की थी। वो सर सेट मैक्स पे बहुत आती है हर हफ्ते और मीम्स भी बहुत बने। तो आपने ठाकुर भानु प्रताप सिंह, अमिताभ बच्चन जी, लेजेंडरी मेगा स्टार के साथ काम किया और आपका भी रोल बहुत अच्छा खासा था, आमने सामने ही थे, तो सर वो कैसा एक्सपीरियंस था, क्या बॉन्डिंग थी, कुछ बताएं बिग बी और आपकी कैसे रही सब? एक तो मेरी शुरुआत सब सीनियर लोगों के साथ, बड़े लोग थे सारे शुरू से ही, मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लेता था और मेरे पास जो बेस्ट होता था वो मैं बिगिनिंग में ही कर देता था, क्योंकि मैं एक चीज़ को बहुत मानता हूँ कि बड़े स्टेजेस आएंगे आपकी ज़िंदगी में जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, हर डायरेक्टर का अपना एक स्टाइल होता है आपसे काम करवाने का, लेकिन मैं आज भी डायरेक्टर को नंबर वन मानता हूँ कि डायरेक्टर व्हेन से ओके आई थिंक इज़ ओके, इट शुड बी ओके, वही मेरा आज का विशिष्ट, मैं बहस नहीं करता हूँ।
तो मैं जब जो समझ लेता था वो मैं करता था, करने के बाद मुझे लगता था कि अगर ये ठीक नहीं हुआ तो डायरेक्टर को ठीक नहीं लगा तो ठीक नहीं है, अगर वो ओके कर रहे हैं कि उससे बड़ा उस वक्त कोई नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर कहानी अंदर होती है, उनके हर एक्टर के बारे में उन्होंने सोचा होता है, महसूस किया होता है। अब वहाँ पे शुरू शुरू में तो ताकत भी नहीं थी और कहते भी नहीं थे कि डिस्कस कर लेते हैं पहले क्या है, ऐसा नहीं करते थे, तो रोल भी ऐसे नहीं थे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे जैसे प्राण साहब के हुआ करते थे जिसमें बहुत सारे मैनरिज्म होते थे या वो करते थे, तो उसके लिए पहले वो प्लान कर लेते थे, तो हमारी सिचुएशन तो वो है नहीं थी। आप अमित सर से प्लान नहीं करते थे? नहीं, उस तरह की सिचुएशन नहीं थी या उस तरह के करेक्टर नहीं थे वो वाले, तो उस तरह जो मैं कहता था जिसमें उसमें एक सीन है उसमें खुद भी मैं बहुत हंसा सूर्यवंशन में, जिसमें अपने ही बुजुर्गों को मैं उल्टा सीधा कहता हूँ ये क्या किया है आपने, दीवार पे देख इतना कुछ आप छोड़ गए, ये कर गए वो कर गए, और उसके पास देखो आज उसके पास क्या नहीं है, लोग कितनी इज्जत करते हैं, तो मेरी इतनी सी भी इज्जत नहीं करते, तो सीन जब किया तो उसी तरह का ही एंगर चाहिए था उनको, तो उसमें कोई डिस्कशन नहीं की, मैंने कर दिया। जब करने के बाद एक शायद के दो एक बार कुछ फंबल हुआ या कुछ हुआ, उसके बाद जो मैंने किया उन्होंने ओके कर दिया, तो फिर वहाँ से आपको आपका मीटर पता चल जाता है। तो कई बार कुछ बिना बात के तो आप इतना जोर नहीं लगाते, कुछ लाइनें होती हैं जिससे, और दूसरा क्या विलन को उस वक्त भी उस रूप में पसंद करते थे कि थोड़ा लाउड रहे, चलता था। आज का विलन चेंज हो गया है क्योंकि हीरो भी चेंज हो गया है, तो आज के विलन हीरो जो है ज़्यादा लाउड नहीं होते, तो हीरो भी उस तरह करता है, तो उस तरह की चीज़ें थोड़ी समझ में आने लगी थी, तो जो करते थे तो जब वो ओके कर देते थे या फिर उनका एक तरीका होता था, थोड़ा इस तरह कर लो, थोड़ा इस तरह कर, थोड़ा ऊपर कर लो, तो यहाँ थोड़ा कम कर लो, तो उसको हम लोग समझ आते थे, तो उसी तरह आस्ता आस्ता उन्हीं कदमों पर। तो सर कभी बच्चन सर से आपकी कभी मुलाकात हुई हो तो डिस्कशन होती है कि सूर्यवंशम साथ हुई थी और क्या बाकमाल पिक्चर थी? सूर्यवंशम की लास्ट फिल्म एक हम साथ में कर रहे थे, तो मेरा और अमित जी का एक ही सीन था, हम लोग तेलुगु फिल्म कर रहे थे, वो 100वीं फिल्म थी चिरंजीवी साहब की, ओ मेगास्टार, मेगास्टार की, तो उसमें एंड में मैं एक रिश्ते से चिरंजीवी के साथ में हूँ और अमित जी का जो कहानी में होता हूँ, तो लास्ट में हम लोग साथ में होते हैं एक जगह, तो वहाँ ऐसे ही मैंने कहा, मैं कहा सर हमारी ये सूर्यवंशम तो बहुत आती है, कहते हाँ यार हम भी हैरान होते हैं और सबने देखी है, मैं बहुत लोगों ने देखी है और बात भी होती है ये वो, तो उस वक्त थोड़ा सा जिक्र उस फिल्म के बारे में हुआ और थोड़ा सा उसमें एक और इंटरेस्टिंग था कि शाम को जिस होटल में अमित जी थे मैं भी था, तो शाम को कई बार मुझे जिम में वो मिल जाते थे, तो जिम था वहाँ पे, तो उसी होटल में मैं भी करता था, वो भी करते थे, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती, लेकिन खुशी होती थी, जितना भी आमना सामना हो पाता था उसमें मज़ा आता था, खुशी होती थी। तो सर कोई मिल गया फिल्म में आपने, आप इंस्पेक्टर खान बने, तो उसमें सर वो जादू ने स्पेस से धरती पे कसौली में स्पेसशिप उतारी, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी और हाइट इतनी बाहुबली जैसी है तो अंतरिक्ष से उसको आप ही दिखे बस इंस्पेक्टर खान, तो उसलिए उसने कसौली में स्पेसशिप उतारी? नहीं ऐसा नहीं होता तो सर ऐसा नहीं होता, वो उतरा था, हमने छानबीन की थी, आपने जंगल में जाके पैर देख के छानबीन, पैर देखा वो जगह जल जाती है, वो सारा ऐसा था सीक्वेंस वो, फिर उसमें से पता चलता है कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है कि कुछ लोग उतरे थे उनमें से एक वापस नहीं गया, तो ये छानबीन है, जरूरी नहीं है, तो क्योंकि मैं इंस्पेक्टर था तो छानबीन की गई, हम मेरे ख्याल हम दिखाते भी हैं जगह जहाँ उतरा था तो सब जली हुई थी, तो उसके पैरों के निशान मैं दिखा, क्योंकि मेरे हाथ में आती है वो, तो इस तरह वो लीड थी वो, तो उस तरह पता चलता है एक नहीं गया, तो दैट्स हाउ हम लोग उसको ट्रेस करते हैं कि कहाँ है वो कौन है, तो दिस इज दैट दैट्स द स्टोरी, उस हिसाब से था वो। तो सर उसमें आपने ऋतिक रोशन और राकेश रोशन जी दोनों के साथ काम किया, क्योंकि एक डायरेक्टर थे और एक एक्टर थे, तो उनके साथ क्या रैपो, क्या बॉन्ड आपका बना, कैसा सब रहा, अगर आप कुछ बता पाएं? राकेश रोशन जी बहुत ही सिंपल डायरेक्टर है सर, वाई बट वाई ये उनकी खूबी है, वाई सर खूबी तो है बट नहीं, हर एक्टर जो होता है उसकी एक अप्रोच होती है, मैंने उनको बहुत ही ईजी बहुत ही काम डायरेक्टर पाया,
कई बार तो जो मेरे और उनके में मैं था, उनको इस बातों में ये लगता है कि जो ज़रूरत है वो करो, अच्छा मैं ये करके दिखाता हूँ, ऐसा ऐसा नहीं, जो रिक्वायरमेंट है वो करो। तो वो बातों में कभी कभी बहुत से एक्टर कोशिश करते हैं, तो कई बार उनकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। एक इंस्पेक्टर है, उसको कितनी लिबर्टी हो सकती है? तो अगर हम सोच लेते हैं कि एक इंस्पेक्टर की अप्रोच इस तरह की होती है, तो उसी तरह की करने की कोशिश की, तो उन चीज़ों में वो बिलीव करते हैं। तो कभी कभी उनकी बातों से भी लगता था कि ये एक्सपेरिमेंट बिना बात का कोई मतलब नहीं है, अच्छा मैं इसको ऐसे करता हूँ, अच्छा ऐसे करता हूँ, नहीं तो जो थोड़ा सा बस समझाते थे वो वैसा ही कर दें तो इमीडिएटली ओके। तो वो एक उनका बहुत ही साधारण जो अप्रोच है टूवर्ड्स एक्टर, तो ये नहीं प्रेशर रहता है कि आप एक नामचीन डायरेक्टर या एक्टर के साथ काम कर रहे हैं। ये फिर आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है, उसका असर नए लोगों पे बहुत अच्छा पड़ता है, पॉजिटिव पड़ता है, आप फ्री हो जाते हैं, तो वो क्वालिटी उनमें है। जी जी। और सर ऋतिक रोशन सर के साथ, उनके साथ कैसा सेम मूवी में एक्सपीरियंस? प्रीति जिंटा जी भी थी। हाँ प्रीति भी थी। हाँ कभी कभी खाना वाना शायद साथ में हम खा लेते थे, क्योंकि राकेश जी पसंद करते थे कि सब लोग साथ में खाएं। हाँ खाएं। गाड़ी दो गाड़ियाँ भी थी, लेकिन सब साथ में खाएं, ऐसा होता था, तो वो कभी खाना मौका मिलता था। बाकी रहता है कि इतना फ्री टाइम जो मेरे पास हो सकता है ऋतिक के पास ना हो, क्योंकि ऋतिक के सीन ज़्यादा होते हैं, तो वापस इन्वॉल्व वो लोग होते थे। और थोड़ा सा जब इस तरह के रोल होते हैं जिस तरह ऋतिक ने किए हैं, तो फिर वो अपने ही मूड में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि किसी करेक्टर को प्ले करते रहना और एकदम से डिफरेंट को करते रहना, उसकी एक रिक्वायरमेंट बन जाती है कि आप उसी मोल्ड में रहो, उसे बाहर ना निकलो, मतलब फट से ऋतिक ना हो जाओ। ये होता है एक्टरों के साथ में। तो वो जो उनका एक जो उसमें रोल दिखाया गया है वो वैसा ही था, इस वर्ड नॉट स्ट्रेट रोल थोड़ा सा, तो मुझे लगता है उसमें उनका ध्यान वहाँ भी रहता था। लेकिन जब भी जहाँ भी आमना सामना होता था अच्छा से इज्जत से, वो आज भी कहीं मिल जाए हेलो हो जाती है। और सर हो सकता है, बहुत टाइम से बात भी चल रही है कि वो आगे क्रिश 4 भी बनाए, तो हो सकता है हम आपको उसमें भी देख पाए कभी। यह बनाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो एक किस्म की ऐसी फिल्म है जो कभी भी आपको जेम्स बॉन्ड की तरह आगे ले जा सकती है, इतनी इस लेवल की तो है वो प्रोडक्ट। तो बनाते हैं, लेकिन उनका ये है राकेश जी का कि वो जल्दबाजी में नहीं बनाते हैं। वो ये उनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि जब जी चाहता है, जब कहानी उनको कुछ सुना तो है मैं कि इस तरह की बैठकें हुई हैं जिसमें शायद, तो उनका ये है कि जब चीज़ अच्छी बन जाती है, कुछ अच्छा दिखता है, उनको अच्छा बुन लेते हैं। तो तभी लोगों तक रश नहीं करते हैं। तो ये उनकी खूबी है, क्योंकि हर तरह की तरह से वो स्टेबल हैं, तो ज़रूरत नहीं है उनको। ऋतिक के साथ ही काम करना है तो ऋतिक अवेलेबल है उनके लिए, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। सर जैसे हमें पता है आपने शुरू में मॉडलिंग भी करी, आप बहुत गुड लुकिंग थे, अभी भी हैं, और हाइट बहुत अच्छी, रंग माशाल्लाह बहुत साफ, तो आपने सोचा नहीं सर बाकी जैसे सब चाहते हैं कि मैं भी एज अ हीरो ही आता, हीरोइन को बाइक के पीछे बिठाता और वहाँ बर्फीले पहाड़ों में बाहें फैलाता, आप विलन के रोल में ज़्यादा है, आपने भी सोचा होगा यार मेरे को भी हीरो तो बनना चाहिए, इतना मैं अच्छा हूँ, सब बढ़िया है। गंभीर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, और मैं फिल्मों में आने से पहले बहुत सारे रिस्क ले चुका था। सर प्लीज़ खुल के बताएं थोड़ा रिस्क। मेरी फैमिली के बिजनेस था, बॉम्बे में भी था, जम्मू में भी था। जम्मू से मैं पढ़ाई के बाद मैं बॉम्बे आ गया, तो मैं नहीं कर पाया फैमिली के साथ बिजनेस, हमारा काम था जो, तो बाहर चला गया। तो बाहर किया, वहाँ कुछ फैशन शोज़ किए, रहा, अब बाहर से फिर मैं वहीं पर आ गया। अब मेरे पास बिल्कुल वो नहीं था, क्या बोलते हैं कि अब मैं कोई और रिस्क लूँ, क्योंकि ज़िंदगी ज़्यादा कितने साल आप ये सोच के अच्छा ये नहीं ये कर ले, ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात ये थी कि मैं ईमानदार था, उस फीलिंग को लेके जो मेरे अंदर थी, उसके अगेंस्ट जाने का कोई मतलब नहीं होता। वो कंफ्यूज तब होता अगर कहीं मेरे अंदर फिल्मी बैक ग्राउंड होता, या मैंने देखा होता, या मिला होता हीरोओं को, ऐसा नहीं था। तो मैं
जो मेरे अंदर एक पावर क्रिएट हो रही थी एज एन एक्टर, वो उसमें कहीं भी हीरो वाली बात नहीं आती थी। वो एक तरह की चीज़ की डेवलपमेंट मेरे अंदर हो रही थी और उसके लिए मैंने कभी किसी को झूठ नहीं बोला। तो इसलिए कभी कभी जब मैं लोगों से मिलने जाता था तो उनके ऑफिस में कन्फ्यूजन ज़रूर होता था, क्योंकि उस वक्त मेरा जो कम्बिनेशन था वो रेयर था फिल्मों के हिसाब से। मेरे छोटे छोटे बाल थे और मेरी स्पोर्ट्स लुक थी, गालें मेरी अंदर जौलन वैसी थी, और उस वक्त ना तो इस तरह के ये विलन होते थे ना हीरो होते थे। हीरो मतलब ऐसे जुल्फें ऐसे की उसने, और विलन भी बड़े बड़े बाल, और वो सब नहीं था। और मैंने उसको कभी कोई डिस्कस भी नहीं कभी किया, और कि ना ही किसी ने कहा कि जब जाओ तो ऐसे जाओ, कुछ नहीं जाओ। एक चीज़ तो तय थी, देखने वाले को लगता था कि ये आदमी एक्टर है, एक्टर मतलब होता ना कि हाँ यार इसको काम, इसकी लुक से लग रहा है कि ये जानता है। अब ये कहाँ फिट होता है ये उनको समझ में नहीं आता था, ना तो हीरो के हिसाब से देख पाते थे ना विलन के हिसाब से। तो मेरे को ये चीज़ें बाद में आस्ते आस्ते पता चली। मैंने कुछ चेंज नहीं किया, जो था मेरे पास वही करता रहा, उसी की भूख मेरे अंदर थी, उसी की आग मेरे अंदर थी, मैंने उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए। और आज भी मुझे फील होता है आई डिड द राइट थिंग। यस टोटली, हमेशा आप एवरग्रीन रहे, एकदम कांस्टेंट रहे। देखो क्या होता है, आप जब खुद ही पाले बदल लोगे ना फिर प्रॉब्लम आती है, कहीं आपको स्थिर रहना पड़ेगा। कोई इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है कि एक पर्टिकुलर तरीके का हीरो होता था। आज तो सारी डेफिनेशंस ख़त्म हो चुकी हैं, इसे सिंपल ना, एक्टर कोई भी हो सकता है। तो वो जो चीज़ें थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी। और अल्टीमेटली क्या होता है, आपको किसी ने चूज़ करना है, फिर वो तैयार करेगा, आपके ऊपर पैसा खर्च करेगा। तो ये सोच से, उनकी सोच से आपकी सोच मैच नहीं हो सकती। अगर आप उल्टा सोच रहे हो तो बेटर ये है कि जो लेने वाला है वो सोचे आपके बारे में कि ये किस में फिट होगा। उस मोल्ड में चले जाओगे तो बेटर रहोगे, बेटर। क्योंकि आपके पास हक नहीं है कि जो ख़रीदने वाले वो नहीं जी मैं तो ये करूँगा, तो करिए, हो सकता है फिर आपकी किस्मत कहाँ ले जाए आपको, हो सकता है अच्छा हो जाए, हो सकता है लेट हो जाए। तो वो सब चीज़ें करने का मेरे पास ना तो कोई सोच नहीं थी मेरे पास ऐसी कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं था। कि मैं डांस भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं था। तो जो हो रहा था उसे एक्सेप्ट किया, और वही मुझे जो ऊपर वाले ने जिसे किस्मत कहते हैं उन्होंने वैसा ही मुझे वो करवाया। सो मुझे लगता है आई डिड द राइट थिंग। यस 100% आप उसमें सक्सेसफुल हुए बिल्कुल। और सर अब बात करते हैं, आपने सर सरफरोश मूवी करी, उसमें आप इंस्पेक्टर सलीम बने, आपकी बहुत ही उमदा परफॉर्मेंस थी, बहुत ही बढ़िया। तो आप मानते सर वो फिल्म आपके लिए कहीं टर्निंग पॉइंट थी, और उसमें आमिर खान जी के साथ आपने काम किया, तो उनके साथ कैसी जर्नी रही और वो पिक्चर ऑल इन ऑल कैसी रही आपके लिए? टर्निंग पॉइंट तो उस थी, क्योंकि उस आमिर के साथ ही फिल्म कर रहा था मैं बाजी, जब उन्होंने ही मुझे सबसे पहले बताया था ओके ऐसी ऐसी फिल्म है, ऐसी ऐसी कहानी मैंने सुनी है, ये एक रोल है तुम करोगे। तो प्री बुक उन्होंने आपको वहीं कर लिया? नहीं, उन्होंने कहानी सुना मेरे को, जब बीच में मौका मिलता था तो हम बैठते थे। वो भी बातचीत करना पसंद करते हैं, आमिर की नेचर है ओके। तो बातचीत करते ऐसे ऐसे कहानी है भाई ये सुनिए, ये रोल है अगर आप करो तो। तो मुझे उसे एक ही चीज़ लगी कि कोई आदमी पॉजिटिव रोल मुझे मेरे लिए सोच रहा है। तो मैंने बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उल्टा मुझे खुशी है इस बात की कि आप ऐसा कह रहे हो। तो ये बातें पता थी सबको, आशुतोष गवारीकर साहब को भी पता था। तो उन्होंने कहा वो टेस्ट लेगा तो मैं अगर ले ले साहब टेस्ट में मेरा क्या जाएगा? तो सब थोड़ा सा ये क्या बोला, मैं कहीं मेरा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि उस वक्त तक मैं 3-4 फिल्में मेरी चल रही थी। मैं कह जी मैं लूज़ क्या करूँगा, अगर नहीं हुआ मेरा तो यही है, उन्होंने पसंद नहीं किया। मैंने तो लूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं आज भी एक्टर नहीं मान रहा हूँ, मैं तो सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ जो हो रहा है उसमें बेस्ट करने की। तो ये अप्रोच मेरी मुझे लगता ठीक रही। तो मैंने टेस्ट दिया, जिन्होंने नहीं मांगा मैंने फोर्स नहीं किया, जिन्होंने कहा मैंने कहा ठीक है जी। तो कुछ लाइनें दी उन्होंने, तो मैंने कहा ठीक है जी 2-4 दिन दे दीजिए,
तो गए, उनके राइटर थे पातिक साहब, उनके साथ बैठ के वो सीन किया। वो करते करते ही कैमरामैन को, डायरेक्टर साहब को लगा कि हमारा सलीम मिल गया हमको। तो मेरी करते करते मैं उनके आंखों में देख पा रहा था या उनके जेस्चर में कि मामला ठीक है, मामला ठीक है। सो दैट्स हाउ आई गॉट दिस फिल्म। और सर एक और आपकी फिल्म बहुत फेमस एक्शन फिल्म थी सर, गर्व, उसमें आप डॉन बने थे जफर सुपारी, और उसमें आपने 60 करोड़ रुपए दे के MLA सारे लेके अपना CM चीफ मिनिस्टर गोविंद नामदेव सर को बना दिया, और उसमें फेस ऑफ भी आपका खान सलमान खान सर के साथ था, बॉक्स ऑफिस के किंग। तो एक तो उस रोल के बारे में बताइए, इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी था उसका, और फिर सलमान खान सर के साथ आपका ऑन स्क्रीन फेस ऑफ कैसा था? मेरे ख्याल जब वो फिल्म कर रहे थे उससे पहले मैं सलमान के साथ बंधन कर चुका था। ओके। तो एटीज थे सलमान मेरे साथ, या कोई कभी कोई ऐसा नहीं लगा। उसमें भी वैसा ही था, सलमान भी शाम को बैठना पसंद करते हैं, गपशप लगती थी, तो इनिशिएटिव भी लेते हैं कि सब बैठें। ये होता है, हर एक्टर का एक अपनी अपनी अप्रोच होती है, तो शाम को मिलते हैं, बैठे हैं, गपशप मारें, ये सब होता था, उससे थोड़ा इजी रहता था। बाकी सलमान तो उस वक्त टॉप पे ही थे जब जो फिल्म हुई थी, आज भी तो आज भी है वो, लेकिन काम करने का तो काम जैसे करना जो अपने से बेस्ट हो सकता है। बाकी कहीं कमज़ोरी होती है तो डायरेक्टर लोग होते हैं, चाहे फाइट मास्टर हो या अपने डायरेक्टर हो, आपको गाइड तो करते हैं, आप इस तरह नहीं इस तरह करो। स्ट्रिक्ट आदमी हैं वो, अपनी तरह से ही चाहते थे कि ऐसा हो। उसमें हमारी से बहुत कम थी, वो उन्होंने खुद से तैयार किया हुआ था, मेरा करेक्टर भी दूसरों का भी। तो बिगनिंग में मैं समझ गया, हम वो क्या, आप सब लोग समझ गए कि जैसा कहेंगे वैसा करना है। तो जैसे उनका देखा मैंने भाव 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 जैसा वो चाह रहे थे, जिस तरह का रुबाब या जिस तरह का वो चाहिए था, फॉलो किया उनको। तो ये भी एक एक्टर के लिए ज़रूरी होता है कि आप, क्योंकि क्या होता है कि डायरेक्टर ने इतनी बार कहानी सुनी होती है, इतनी बार बहस की होती है, इतनी बार लिखा गया होता है, चेंज होता है, फिर सामने आता है, फिर आपके पास चीज़ पहुँचती है। तो कई बार जैसे सरफरोश का भी ऐसा ही था, एक लाइन हम अपनी तरफ से मैंने कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि अपने जॉन मैथ्यू साहब इतना ज़्यादा उनका होमवर्क था हर करेक्टर के लिए। तो मैं जब उनको करते हुए देखता था तो मेरे अंदर से आवाज़ आती थी, मुझे क्यों चर चेंज करना है, मैं क्यों कहूँ कि मैं ऐसे करूँ, जब यही इतना अच्छा है, अगर मैं ये कर जाऊँ तो भी काम हो गया। तो ये जो चीज़ें मैंने बिगिनिंग में सबके साथ सीखी ना, उसमें मैं इस बात पे कंफर्म हो गया हूँ कि जो दिख रहा है और वो अच्छा है उसके ऊपर होशियारी करने की क्या ज़रूरत है। मुझ जैसे एक्टरों को तो नहीं ज़रूरत है। आप ओवर इम्प्रोवाइज नहीं करते? देखो आपका माहौल बताता है ना, आपका माहौल बताता है कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि एक ज़रूरत है। क्योंकि हमारे जो करेक्टर होते हैं, कई बार सरफरोश का भी करेक्टर ऐसा नहीं था कि जिसके साथ बहुत एक्सपेरिमेंट किया जा सकता था, ऐसा कोई सीन नहीं था कि यहाँ सीरियस हो, घर जाते हंस रहा है, बेटी के साथ खेल रहा है, ऐसा नहीं था। तो एक लाइन सीधी होती है तो उसी को फॉलो करते हैं। तो मेरा जो अपना पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस हैं वो मेरे सारे काम में आए। मैं बहुत बहुत इंडोर आदमी नहीं हूँ, आज भी मैं, आप खुले घर में रहे हैं, बाहर घूमते थे दोस्तों के साथ, किसी का फादर पुलिस में है, कोई आर्मी में है, तो ये सारे माहौल मैंने देखे हुए हैं। तो वो जब एज एन एक्टर, और जब आपकी पावर बढ़ती है ग्रैब करने की चीज़ें, आपसे इन चीज़ों को लेके बहुत वो हो जाते हैं कि हाँ भाई ग्रैब हो रही हैं, आपको पता है, आप देख रहे हो। आप जब मार्केट में जाते होंगे, आप हो सकता है ड्रेसेस देखते हों, तो मैं हो सकता किसी, कोई भी एक्टर हो सकता हो, किसी पर्टिकुलर आदमी के ऊपर उसका ध्यान हो कि वो किस तरह बिहेव कर रहा है, उसकी लैंग्वेज क्या है। तो मेरे साथ वाला वो हो सकता है कुछ देख रहा हो, खाने का क्या बंदोबस्त है, या कैसा पहनना मेरे को, फलाने के चश्मा अच्छा है। तो ये हर आदमी के अपना अपना बन जाता है, दैट्स हाउ यू ग्रैब थिंग्स, वो जो आपके अंदर पॉलिश होती रहती हैं, फिर टाइम टू टाइम निकलती हैं। एक्टर रियल लाइफ रोल्स को आप, यही है। तो इस तरह के रोल में ज़्यादा वैरायटी नहीं थी जब, हाँ ये तो लाइन तो हमें पता चल जाती थी कि इसकी फैमिली नहीं है, जैसे गर्व की बात की तो इस आदमी की कोई फैमिली नहीं थी, एक ही तरह का था जो अपने उसी मकसद
की बात कर रहा है कि मेरा दबदबा बना रहना चाहिए, जो अगेंस्ट जाएगा मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो उसमें ज़्यादा होता नहीं है। लेकिन कई बार बाद में कई रोल ऐसे मिले जिनमें वो चीज़ आती है कि आप कह सकते हो सर ये देख लीजिए अगर ठीक लगे, वो आता है आस्ता। तो मेरे को भी आस्ता आस्ता वो हो रहा है, क्योंकि साउथ में भी काम कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं, और भी अभी आने वाली फिल्में उसमें शायद एक डिफरेंट रूप लोगों को दिखे, तो वो होता गया। मैंने उसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं किया। और सर अगर बात करें सर लगान मूवी हमारी ऑस्कर्स तक भी गई, पीरियड ड्रामा मूवी थी, तो उसमें हमें पता लगा आप भी एक बहुत अहम किरदार निभाने वाले थे, बट समहाउ वो हो नहीं पाया। खैर अभी तो फिल्म काफ़ी साल हो रिलीज़ हो गए, बात तो थी, मैं वो सरदार जी वाला करेक्टर जो था वो मुझे ऑफ़र हुआ था, लेकिन उसमें मेरी एक प्रॉब्लम थी जो मैंने अमीर साहब को बताई थी पर्सनली जाके, क्योंकि मैं उस वक्त साउथ में काम कर रहा था और लगान की जो रिक्वायरमेंट थी वो सच 3-4 महीने तक आप कोई वापस नहीं आ सकता। तो मेरी उस वक्त 3 फिल्में शायद अराउंड 3 होंगी जो फिल्में ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी, तो मेरे अंदर के इंसान ने कहा कि मुझे ज़रूर बताना चाहिए, तो क्योंकि अभी तो बात हुई है कहाँ अब तो सुनी है, तो मैंने आमिर साहब से कहा कि मेरी ये सिचुएशन है, उनकी फिल्में इसी जगह हैं, तो 3-4 अगर मैं कहूँगा तो मतलब मुझे ही अजीब फील हो रहा है कि मैं कैसे कहूँ कि 3 साल में नहीं आऊँगा। तो आमिर थोड़ी देर सोचा, उन्होंने मतलब उन्हें लगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, कोई नहीं मुकेश जी बिल फिर हाँ। तो जैसा यू नो कई बार ये भी होता है कि एक दूसरे की इज्जत में आपकी अप्रोच भी सीधी रहनी चाहिए, तो मैं इन चीज़ों को ही फॉलो करता हूँ। मैं इधर उधर से मैसेज भेजूँ कि कह दो मेरा ऐसा नहीं सर, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, हम बैठे सरफोश में अच्छा टाइम गुजारा तो सीधी बात करेंगे, मैं ये अंडरस्टूड ऐसा नहीं। उसके बाद भी एक फिल्म और मुझे ऑफर हुई थी, आई थिंक चड्डा जो थी, मैं उस वक्त अपनी फिल्म हाँ जी उस वक्त मैं फिर नहीं दे पाया डेट्स, क्यों मैं ऑलरेडी कमिटेड था तो उनकी अब्रॉड में थी, तो फिर वही बात थी, ईमानदारी थी कि मुझे लगा कि इतनी दूर जाना है कि अगर उनके 4 दिन बढ़ गए तो मैं खुद फिल्म बना रहा था अपने बेटे के लिए, तो हाँ तो मैं फिर मैं कहा ये बात ठीक नहीं होगी, तो फिर मैंने यही रीज़न बताया कि ऐसी ये पोजीशन है मेरी इसलिए नहीं हो पाई। तो मुझे लगता है कि कुछ आड़ा टेढ़ा चीज़ें मैं करता नहीं हूँ, सीधी बात सीधी पसंद करता हूँ कि उससे ठीक रहता है। अब सर ये पता लगता है आप दिल के साफ हैं बहुत, जो दिल पे वही ज़ुबान पे, कोई खोट फरेब नहीं, आपने सीधा ही बोल दिया कि नहीं होगा। दिल के साफ ये नहीं, दैट्स हाउ योर नेचर इज़, अगर आप कुछ ऐसी हरकत करें रात को नींद नहीं आई तो फिर आपने क्या किया। आप सब मैं सबसे पहले आप खुद को ही फॉलो करता हूँ ना कि मैं किस चीज़ में ठीक हूँ, कि अगर मैंने कुछ ऐसा काम किया जो रात को आपको तकलीफ पहुँचे या शाम को यार ये गलत हो गई बात, तो फिर इसका मतलब थोड़ा सा संभाल लेना चाहिए चीज़ों को। तो ऐसे ही कोशिश करके ठीक है, 1-to-1 जब इस इतनी रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए तो ये तो होता रहेगा। आमिर साहब की कोई किसी भी एक्टर की कोई हो सकता है कि किसी और की फिल्म कर रहे हैं नहीं कर पा रहे अगले करेंगे, तो होता है, लेकिन इसको उसी रिस्पेक्ट में जाना चाहिए बातचीत तरीका जो सही है। और सर अगर आप लगान में होते भी तो लोगों को ऐसा लगता कि आपको देख के अंग्रेज वैसे ही डर जाते, वो आते ही नहीं कभी इंडिया, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं, ऐसा नहीं, कहानी है, फिल्म बनी, क्या लाजवाब फिल्म बनी, बड़े प्राउड से देखी हम लोगों ने, और व्हाट ए फिल्म, उसकी जो आमिर कि पूरी टीम जो उनकी जो सोच थी उस फिल्म को लेके, वो आम आदमी समझ ही नहीं सकता था, एक्टर भी नहीं समझ सकते थे कि क्या बनेगा ये, क्योंकि वो फिल्म जो है वो फिल्म देखने के बाद ही पता चलता है कि बनाने वाले की कमिटमेंट और उनकी अपनी सोच कितनी स्ट्रांग थी। और सर गदर के साथ आई थी और दोनों पिक्चरें बहुत ज़्यादा चली। सर आपने सर पूरे देश भर में आप काम करते हैं, तेलुगु इंडस्ट्री में आपने बहुत सारी पिक्चरें करी हैं, आपने चिरंजीवी सर, रामचरण जी, जूनियर NTR, महेश बाबू, रवि तेजा, जितने बड़े नाम है सबके साथ काम किया, तो सर यहाँ भी काम किया बॉलीवुड में बहुत सारा, तो सर वैसे तो देश अपना एक ही है एकदम, पर दोनों इंडस्ट्रीज़ के बॉलीवुड और टॉलीवुड के वर्क कल्चर स्टाइल में क्या फ़र्क रहता है पिक्चर बनने पर, सेट के माहौल पर, वो थोड़ा बताएं। तुम इंजीनियर हो, तुम नॉर्थ की कंपनी में भी काम कर सकते हो, साउथ की कंपनी में भी काम कर सकते हो, एक लैंग्वेज का माहौल बनता है जब आप दूसरी स्टेट में जाते हो,
टेक्निकली तो सेम है, उनकी दो चीज़ें बहुत बेटर थी, उस मानते भी हैं, उनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा था और टाइमिंग बहुत अच्छी थी। हाँ, और टाइम पे शुरू होती थी शूटिंग और फिल्में टाइम पे ख़त्म होती थी, ये उनका सिस्टम था। और वही एक थोड़ा सा कभी कभी हमारे यहाँ लगता था कि थोड़ी लेट हो जाती फिल्म रोज स्टार्ट होने में, या टाइम ज़्यादा ले लेती, ये थोड़ी सी एक, एक, एक था एटीट्यूड उस तरह का, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था। और मुझे बिल्कुल उनका डिसिप्लिन जो है उसने मुझे कोई ऐसी तकलीफ नहीं पहुंचाई, या मुझे कहीं आउट ऑफ द वे जाके एडजस्ट करने वाला बात नहीं था, क्योंकि मैं खुद डिसिप्लिन आदमी, मुझे अपने शरीर को एक डेढ़ घंटा रोज देना है तो देना है, उसके लिए एक फिल्म भी छोड़ी जा सकती है, एक पार्टी भी छोड़ी जा सकती है, ये सब चीज़ें मुझ में हैं, आज भी हैं। वो कुछ ज़्यादा सुना नहीं हुआ था मैंने, वहाँ जाने के बाद जो पता चला, मुझे जो टाइम देते थे वो टाइम पे मैं पहुँच जाता था, उससे जो निकल के आता था रिज़ल्ट, वो जब मुझे पता चला तो मैं इनकरेज हुआ, तो उनको लगा इस तरह के, यार दिस एक्टर इज़ वेरी डिसिप्लिन। तो मुझे फिर तब तक आस्था से ये भी पता चलना कि ये खुद भी बहुत डिसिप्लिन है, अगर मुझे 7 बजे बुलाया है तो 7 बजे कैमरा ऑन मिलेगा, सिर्फ आप आइए। और यहाँ मुंबई में थोड़ा अलग रहता सर, मुंबई में थोड़ा सा था, लेट होते थे एक्टर, कई बार अपने हिसाब से आते थे, तो वो एक चीज़ थी, लेकिन वो भी हमको तकलीफ़ नहीं देती थी कि मेरा काम नहीं है वो देखना। लेकिन यहाँ भी बॉम्बे में भी मैं, मेरा एक ही असूल था, मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता चाहे हम दोनों एक ही लेवल के हैं, आप कितने बजे आ रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे क्या टाइम दिया है बस। अगर आप इन्होंने कह दिया कि आप 9 बजे आ जाइए, मैं 9 बजे आ जाऊँगा, भले ही तू 10 बजे आ रहा है, 10:30 आ रहा है, तेरे को कुछ नहीं कह रहे, इससे मुझे नहीं लेना देना, मुझे जो कहा गया मैं वो करूँगा। उससे क्या हो गया कि मुझे किसी को फॉलो नहीं करना, मुझे अपना डिसिप्लिन फॉलो करना है। मैं नहीं चाहता आप मुझे बेवजह या कोई ऐसी बात कहें, तो उससे बचने के लिए तो आप भी कोई गलती ना करें, सिंपल हो गया ना, इसको सिंपल कर दिया मैंने। मैं क्यों मौका दूं आपको कि शराब की वजह से सीनियर एक्टर खड़े रह के बैठे, मतलब वेट कर रहे हैं, मैं क्यों सुनूं, मुझे नहीं सुनना, तो इसलिए मैं आ जाऊँगा, मैं टाइम पे आ जाता। तो वो चीज़ जब लेके मैं यहाँ से ग्रूम जो हुआ वो लेके जब मैं वहाँ पहुँचा, तो वहाँ तो सिस्टम ही ऐसा था, लेकिन वहाँ भी कई बार बॉम्बे के एक्टरों को थोड़ा सा लेके अलर्ट रहते थे, यार टाइम पे नहीं आना, या वहाँ उनको लगा कि ये तो बराबर है टाइम पे आता है। तो आज भी मेरी रेपुटेशन वैसी है। तो सर वहाँ कोई स्टार जूनियर NTR या किसी के साथ आपका कोई मशहूर किस्सा हो? मैंने सुना उन्होंने पीछे से आके एक बार आपको हक कर लिया था सेट पे। वो होता है, NTR मूड में थे, हमारी शूटिंग थी, शायद NTR की फिल्म थी वो, तो कहीं आसपास होंगे तो आए यूनिट को मिलने, तो उस तरह रिस्पेक्ट में होता है जैसे आप करते हो, तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, इन द एंड ऑल आर ह्यूमन बींग, और तो सब लोग बहुत अच्छे हैं, काम सबके साथ किया है, यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल, सीधी सी बात है, आपकी रिस्पेक्ट भी ऑटोमेटिकली हो जाती है आप जब किसी की करते हो। तो खुशी है इस बात की कि मैंने सब सीनियर के साथ काम किया, अब उनके बच्चों के साथ भी काम कर रहा हूँ। आप सर मुख्तलिफ भाषाओं में काम करते हैं, मलयालम, तेलुगु, तमिल, हिंदी, पंजाबी, तो जो भाषा शैली है, जो मतलब लहजा होता है, लैंग्वेज सीखनी होती, वो आप कैसे सर पकड़ लेते हैं? आप भाषा को सीखते हैं, लैंग्वेजेस प्रिपेयर करते हैं, डायलॉग्स, या कैसे रहता है डबिंग होती है? बड़ा मुश्किल है, जब शुरू हुआ तो तेलुगु से शुरू हुआ, तो कुछ फिल्में यहाँ चली, तो कन्नड़ फिल्में करनी शुरू कर दी, फिर तमिल मिली, फिर मलयालम भी मिली, शायद मेरी हिंदी फिल्म के बाद इमीजिएटली फर्स्ट फिल्म मलयालम थी। तो अब कुछ चीज़ें तो वो बताते हैं, क्योंकि वहाँ तो बरसों से बॉम्बे से लोग जाके काम कर रहे हैं, तो उनको तो पता है, तो कुछ चीज़ें वो बताते थे किस तरह मैनेज करना है, तो कुछ तो वो लोग हेल्प करते थे कि आप इस तरह है। आप कितनी भाषाएं बोल लेते होंगे टोटल? मैं भाषा कोई नहीं बोलता, अब जो मेरी हैं वही बोलता हूँ, लेकिन मुझे कई शब्द मालूम है तेलुगु के, ओके, एक्सेंट मुझे पता है मलयालम इस तरह की है, टोन पकड़ लेते, हाँ टोन जो है ऐसे
कन्नड़ में इस तरह कन्नाड वो इस तरह बोली जाती है, तमिलियन इस तरह होते हैं, तो कुछ शब्द हैं जो सुनता हूँ तो ऐसा लगता है ये तमिलियन होगी। लेकिन जो करते हैं वो थोड़े से तरीके हमने समझ लिए कि मेन चीज़ है कि मुझे लिया गया तो मैं कैसे असरदार हो सकता हूँ, और ये उनको भी पता है इस आदमी को लैंग्वेज नहीं आती, और इसका प्रेशर मुझ पर नहीं है कि मुझे नहीं आती, मुझे एक ही काम करना है कि ही शुड बी हैप्पी, मैं जो भी करके जाऊँ ही शुड नॉट फील कि एक आदमी, मतलब आप काम कर रहे हो तो पैसे दिए जाते हैं ना आपको, सब कुछ होता है, तो वो लगना चाहिए कि वर्थ है, तो ऐसा क्या करूँ मैं, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ यही थी लैंग्वेज आप जब बोलते हो, तो उसके जो ट्रिक्स होते हैं वो हमने सीखने की कोशिश की आस्ता आस्ता। फिर मुझे लगा कि जो लाइनें हमने बोलनी है मेरे पास, मेरे लिए वो लैंग्वेज है, वो पूरी लैंग्वेज है मेरे लिए, पूरी याद हो जाती है ना, ना मतलब अगर चार लाइनें मैंने बोली और चार लाइनें ये है कि तुमने मुझे बुलाया हम यहाँ बैठेंगे और ऐसे ऐसे इंटरव्यू होगा और आपको सवाल जवाब करना, ये सीन है अगर, तो उस वक्त आप दूर मत जाओ, वही उसी को पूरी तमिल समझ लो और उसे पढ़ो। और फिर कैमरा अंकल जो है ना, इनको आप चीट नहीं कर सकते, जब ये क्लोजअप पे आते हैं ना फिर आप चीट नहीं कर सकते, तो आपके लिप के साथ खुला है तो उनको अब बंद कर रहे हो तो पता सब चले, तो वो जो तरीका था वो हमने फिर पकड़ना शुरू किया, शब्दों को किस तरह हम बोलें कि एक्सेंट तो 100% नहीं होगा लेकिन हमारे लिप सिंग मैच होने चाहिए ताकि जो डबिंग कर रहा है उसको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो उस तरह करते कुछ चीज़ें उन्होंने सिखाई, कुछ अपने से समझने की कोशिश की, फिर ये था कि ऐसा क्या करूं कि इनको अच्छा लगे कि वह लैंग्वेज नहीं आती तो भी अच्छा किया, इसमें मेरी जीत है, तो उसी फंडे को पकड़ते पकड़ते आज तक चल रहे हैं। सर हाल ही में एक मूवी आई एनिमल, उसमें रणबीर कपूर जी हीरो हैं पर काम उनका थोड़ा विलेन वाला है, पिक्चर बहुत चली, 500 करोड़ हो गए हैं और उसमें गन्स है, मार धाड़ है, गाड़ियाँ हैं, लोगों को पसंद भी है, और एक वर्ग ऐसा भी है जो कहता है कि उसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा है, वायलेंस है, थोड़ा औरतों पे अत्याचार है, तो इससे समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, आप इतने बड़े विलेन रहे हैं शुरू से, तो आपको ऐसा लगता है ऐसी कोई पिक्चर आती है उसमें ज़्यादा वायलेंस या एक्शन होता है तो उसमें समाज पे बुरा प्रभाव पड़ता है, वायलेंस और बढ़ सकता है, कुछ ऐसा गलत प्रभाव ऑडियंस पे पड़ सकता है, ऐसा आप मानते हैं कैसे? एनिमल के आप जो कह रहे हैं मैंने सुना है, मैंने फिल्म नहीं देखी है, थोड़ा आइडिया आपको, फिल्म मैंने देखी जी, ट्रेलर जो देखा उस वो जो सीन है उस सीन मेरे रोंगटे खड़े कर देता है, जब बाप और बेटे का ऐसे लगता है गूज़बम्प्स जो होता है, तो वो तो वहाँ तो देख के लगा कि वाह, देख अगर इस छोटे से ट्रेलर में ये तो अंदर कितना मसाला होगा। जहाँ दो चीज़ों की बात है, पहले से हमारी सेल्फ सेंसरशिप जो है बहुत बेटर होगी, पहले इन चीज़ों का फ़ायदा भी उठाया जाता था, सब कुछ था, फिर आप देखेंगे कि ज़्यादा फिल्में नहीं बन रही, अगर आप उसकी वायलेंस को लेके अब बात करें तो उसका ध्यान रखा जाता, लेकिन कभी कभी कुछ सब्जेक्ट ऐसे बन जाते हैं जिसमें हीरो प्ले करता है ना जब नेगेटिव रोल, तो उसके एक्शन बहुत हैवी लगते हैं, क्योंकि उसको कौन मारेगा, तो हीरो है, मैं करूंगा तो मुझे मारने के लिए हीरो है, तो मैं ऑटोमेटिकली कम हो जाता हूं, क्योंकि ये आदमी मुझे मारने के लिए हीरो चाहिए, वो मारेगा एंड में इसको, अब उसको कौन मारेगा, वो तो इतना कुछ कर रहा है, तो उसके साथ चाशनी बहुत जुड़ जाती है जब हीरो करता है, चाहे वो संजय दत्त की वो फिल्म ले लीजिए, एक फिल्म थी चोली के पीछे क्या है जो उन्होंने रोल प्ले किया था, ये जब जब हुआ है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि हीरोइज्म जब एक्शन में जुड़ जाता है और उसमें नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढी जा करके पोर्ट्रे किया जाता है, वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है स्क्रीन पे, तो ऐसी कई फिल्में इसकी इसको कहने के लिए हो सकता है ज़्यादा हो, ये भी सुना है थोड़ा सा वो दूसरा पार्ट जो है सेक्सुअल पार्ट शायद थोड़ा ज़्यादा हो, मैं मानता हूँ, लेकिन फिल्म देखी नहीं है तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये समझ में आती है बात कि 3-3.5 घंटे की कोई आदमी फिल्म बना रहा है तो उसके दिमाग में ये चीज़ें क्यों नहीं, अगर मैं एक रफली पॉजिटिव वे सोचूँ तो
कि जो बना रहा है 3-3.5 घंटे की फिल्म, तो ये चीज़ें ज़्यादा क्यों नहीं उसको लग रही, इसका मतलब हाँ तो उनको क्यों नहीं लगी कि ये बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने कम क्यों नहीं की। तो फिर इसको फिल्म को एज ए कहानी ही देखना पड़ेगा, आप इसको नहीं कह सकते बिना सोचे समझे ये क्यों था, ये गलत, ऐसा नहीं कहूँगा मैं, कहानी देखूँगा। क्यों 3.5 घंटे की फिल्म आज के दिन में, जबकि आपकी 2 घंटे 10 मिनट से ज़्यादा फिल्म कोई बर्दाश्त नहीं होती, वो 3.5 घंटे की फिल्म है, और क्यों चली है और क्यों उसने किया है, तो इसका सब देखना पड़ के फिर अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखो कि भी मुझे लगा ये ज़्यादा से ज़्यादा, ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी। और ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि रणबीर इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर, दुनिया मान रही है इस, कोई शक नहीं है। हो सकता है आगे उनको ही मन ना करे कि इस तरह की फिल्में ना मैं करूं, तो वो सबसे बड़ी सेंसरशिप होती है। कई बार कहानी बनती है, एक एंटरटेनमेंट भी आप इसी के सहारे ढूंढते हो ना, तो देखी ना लोगों ने दुनिया भर में। तो एनिमल का मैं यही कहूँगा कि हो सकता है लगा हो ज़्यादा, उसमें एक्शन लगा हो या थोड़ा सेक्सुअल पार्ट जो है लोगों को लगा हो, लेकिन उसका एक देखिए बिजनेस वाइज तो ठीक हुआ बहुत, लेकिन लोगों का कंसर्न भी कोई गलत बात नहीं है। जिनको दोनों तरह के लोग हैं, जो अच्छा भी कह रहे हैं और जिनको नहीं ठीक लगा वो ये भी कह रहे हैं, तो ये तो समझिए कि ये भी अच्छी बात है कि यहीं से मैसेज भी तो मिलेंगे ना कि ये ठीक नहीं था तो आगे से हम बेटर करें, ध्यान रख। हाँ, तो दूसरा मुझे लगता है कि जब एक्टर भी अपने अंदर ग्रो करता है, वो खुद भी एक्सपीरियंस करता है, तो कई बार बहुत बार ऐसा होता है जब उनको ही लगता है कि यार ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इसको हम, क्योंकि जब मेन एक्टर इन्वॉल्व हो जाता है इस सोच में तो अपने आप चीज़ें फिर प्रॉपरली बैठ जाती हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में, वैसे तो उन्होंने कभी ऐसी कोई फिल्म तो की नहीं है इस तरह, थोड़ा लगा ज़्यादा। साउथ में एक्शन पसंद किया जाता है, डायरेक्टर साउथ, हाँ, और साउथ में एक्शन जो है हाथ का एक्शन बहुत पसंद करते हैं, तो हो सकता है कहीं ज़्यादा हो, बट मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह की फिल्में, हर फिल्म इस तरह की नहीं, आजकल नहीं बन रही हैं, कोई कोई बीच में आती है। सर अभी हाल ही में सर आपने जो दिल्ली की फेमस एक रामलीला होती है, हाँ, उसमें आपने रावण का किरदार निभाया, हाँ, यस, और वो तो सर आपने बहुत अच्छा ही किया होगा, जैसी अपनी पर्सनैलिटी भी है आपकी। मैंने अभी दूसरी बार किया है, दूसरी बार उनके लिए ही किया है, पहली बार जब एक्चुअली वो काफ़ी मेरे पीछे थे, उन्होंने उससे पहले के सालों में मुझे कई बार कहा, क्योंकि मेरे अंदर है नहीं, मैं स्टेज का बंदा नहीं हूँ, तो मैं कह रहा था यार मुझसे पता नहीं आवाज़ नहीं आती है, तो अपने से ही झूठ नहीं बोलना, तो फिर मैं तो इस मामले में स्ट्रेट हूँ। फिर एक दिन पता नहीं उन्होंने जिस तरीके से उसने बात की मेरे से लड़के ने, तो मैं कह चले यार करते हैं, बट कुछ ये इस तरह करोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। तो फिर वो उसमें मैंने रखा कि मुझे पहले स्क्रिप्ट दे दो, और इसको स्क्रिप्ट को हम उन मेन जो सारी वो सब के साथ बात करके इसको आप ज़्यादा आप संस्कृत में जब करते हो तो वो थोड़ा सा नहीं मज़ा आता है, क्योंकि एक्टर जब कुछ बोलता है तो उसकी बातें कुछ लोग साथ में लेके जाते हैं, तभी उसकी जीत होती है। तो लैंग्वेज जब बोलने में भी तकलीफ़ है और समझने वाले भी सारे संस्कृत के नहीं आते हैं, तो कुछ ऐसा करो कि रामलीला हो रही है और इसका अच्छा मैसेज भी चला जाए, और बीच में हमारी वो भी चीज़ ना हो, और ये भी रह जाए कि मैक्सिमम लोग समझ रहे हैं क्या हो रहा है। तो उन्होंने थोड़ा सा इस चीज़ को रिस्पेक्ट दिया और वो वैसा किया उन्होंने, तो एक बार मैंने पहले किया था और एक बार मैं अभी करके आया हूँ। लेकिन ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर बनाते हैं वो, काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी खर्चा करते हैं, लेकिन मेरे अंदर का जो मैं फील करता था स्टेज वाली बात, ये करके मुझे मज़ा आने लगा है, मुझे लगा कि मैं इन्जॉय कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इन्जॉय नहीं करो तो फिर इस तरह के करेक्टर करने का मज़ा नहीं आता। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने इन्जॉय किया उसको। सर प्रिपेयर करने में टाइम ज़्यादा लगा था, कॉस्ट्यूम वगैरह? नहीं, कॉस्ट्यूम तो देखो कॉस्ट्यूम मेरा काम है नहीं, कॉस्ट्यूम तो उनका काम है बनाने वाले का, उसमें सब कुछ उन्होंने स्टेज बनते हैं वो बनाते हैं, मास्टर आता है, कई बार रावण को ऊपर ले जाना है जहाज़ पे, अच्छा वो सारी चीज़ें होती हैं उसकी, उसको हम बैठ के मैं जाने से पहले पूछ लेता था क्या है आज, तो कहाँ क्या होगा, तो मैं स्टेज समझ लेता था। फिर मास्टर आए तो जब वो बोले सर आपको ऊपर 30-40 फीट जाना है, तो मैं कहा चलो अगर रेडी है तो एक झूला दे दो, तो गए ऊपर, तो अपने अंदर भी फीलिंग क्या आती है वो सारा करके इतना हम लोग ध्यान रख लेते हैं। हंसी भी थी रावण वाली? हाँ, रावण का क्या है कि रावण मैंने ही बचपन में देखी हुई है, रावण क्या है कि स्टेज पे ना उसको स्ट्रेट प्ले करना बड़ा मुश्किल है,
तो क्योंकि लोगों के अंदर बैठी हुई है ये अच्छा मैं रावण, तो उसको थोड़ा सा प्ले करता था करने का, लोगों को इंजॉय ताकि मजा करें उसका ये हो, तो वो मेरे लिए एक डिफरेंट एक्सरसाइज है। तो करते करते मैंने इंजॉय भी किया और अब राम मंदिर भी बनने वाला है तो वो तो बहा बहा क्या बात है, बहुत ही खुशी की बात है यार। वो तो मंदिर की तो बता नहीं सकते, वो जब जब कोई गाना आता है, ये सोच ही है कि हम सब अपने घरों में और जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसको हम पूछते हैं, उनका घर अभी बन रहा है। तो कभी कभी ऐसा लगता है ये क्या है यार, हम कैसे देश में हैं, ये क्यों इतना लेट हो रहा है। कभी थोड़ा सा भी सीरियस हो जाओ तो एक झटका लगता है, पर जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, वेरी नाइस। एक सर फिल्म आई थी फोर्स, उसमें आप तो थे ही, अन्ना रेड्डी बने गैंगस्टर खुखार खतरनाक, और उसमें जॉन अब्राहम थे और विद्युत जामवाल थे जो आपके छोटे भाई बनते, तो उन दोनों की 8-pack एब्स, आपके भी शायद 18 इंच के बाइसेप्स, तो जब ये इतने तीन सबसे बेस्ट बॉडी बिल्डर्स कह लें जो इंडस्ट्री के एक ही पिक्चर में थे, और तो सर उसमें सेट पे क्या माहौल होता था बॉडी का, बहुत एकदम इम्पैक्टफुल रोल थे सबके, कुछ उसका बताएं। तीनों आप धुरिंदर एकदम नहीं, हर का अपना रोल था, अपने जॉन अपने करेक्टर में थे तो हीरो हैं तो उन्होंने दिखाना है, तो सामने विलन था वो, मेरा सीनियर था, मैं उसका बड़ा भाई था, तो जिस तरह का मेरा करेक्टर था उसमें ज़्यादा बॉडी का शो ऑफ नहीं था, लेकिन जो प्रेजेंस होती है यहाँ लोगों को पता है कि मतलब कई बार ये है कि मुझे इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है कि ये ताकतवर नहीं है, लोगों को पता है कि ये है, इस सामान इसके पास है, लेकिन हम लोग करेक्टर प्ले करते हैं, तो वहाँ मेरी कोई ऐसे सीन नहीं है कि मेरे भी कपड़े उतरे हुए हैं, वो ज़रूरत भी नहीं थी उन चीज़ों की। बाकी विद्युत जमवाल जो है, मैं उसकी ट्रेनिंग की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जम्मू के ही आपके? हाँ, जम्मू में उनकी पैदाइश नहीं है, लेकिन उनकी माँ जो हैं फैमिली जम्मू में रही है, कि उनके फादर शायद आर्मी में थे, तो हाँ शायद उनकी मदर ने एक बार मुझे बताया था, तो उस तरह की वो कहानी है। तो सामने दोनों विद्वत और जॉन अब्राहम की जो फाइट उट थी आपस में, वो लोगों ने इंजॉय किया उस बात को। हाँ यस, कभी कभी मेहनती लोग, शरीर से भी मेहनती लोग दिखते हैं शूटिंग में, तो एक अच्छा लगता ही है। उसमें सर एक सीन था, वो हाथ से बाइक उठा के फेंक देते हैं जॉन अब्राहम। हाँ सर, वो डायरेक्टर ने आपको नहीं बोला आप भी कर लो, आप एक ही हाथ से फेंक देते शायद? नहीं हर चीज़ का एक करेक्टर होता है, फिर सब एक ही काम करेंगे तो फिल्म का एंड कहाँ होगा, है ना। तो मुझ में मेरी थोड़ी सी प्लस पॉइंट ये होता है कि मैं अपने शरीर को छोटा भी कर सकता हूँ। कई मेरी और दूसरे लोगों की बॉडी में फ़र्क क्या है कि दूसरे लोग बॉडी बिल्डर हैं, मैं एथलीट हूँ, मेरी लुक जो है मैं शुरू से उस तरह मेंटेन करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हर वक्त, और मैं इस पर बिलीव भी नहीं करता, मेरा जो करेक्टर है आप नहीं देखेंगे मैंने यहाँ तक ही पहना हुआ था, यहाँ नहीं था मेरा। तो मैं इन चीज़ों का ख्याल रखता हूँ कि जो मेरा करेक्टर है वो लगना चाहिए, ये नहीं कि वो ऊँचा है तो फिर पता चल जाए। मुझे याद है एक फिल्म थी अभिषेक के साथ में थी, उसमें फिल्म में बहुत ही भोला दिखाया मेरे को, जीजा दिखाया अभिषेक का। अच्छा हाँ, बड़ी फिल्म थी वो, और उसमें मुझे उन्होंने कहा कि आप नीचे आ रहे हैं बनियान में, तो मैं डायरेक्टर के पास, मैं कहा साहब वो बनियान रहने दीजिए, व्हाई, मैं कहा सर व्हाट यू शोइंग मी, वो सब चेंज हो जाएगा। हाँ। क्योंकि इतना वेल फिट आदमी, इतना भोला नहीं शरीर से मैच नहीं होगा। तो इमीजिएटली यस यस यू राइट, तो फिर मैं शर्ट पहन के नीचे आता हूँ। तो भूमिका चावला उसकी हीरोइन थी, और तो कई बार मैं खुद ही भी कह देता मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कई बार कहता फिर आप लूज़ भी कर जाते हो, अब अपने एक भोलापन आपका चला गया ना, आपके मसल दिख गए थे कैरेक्टर से। हाँ मेरा तो था ही नहीं कि मैं मार सकता हूँ सबको, कहानी ऐसी थी। तो हम लोग, मेरी कोशिश रहती है, मैं हर वक्त शरीर मेरा आगे नहीं होना चाहिए, मेरी कहानी की जो रिक्वायरमेंट है वो रहे। आप देखेंगे मेरी ज़्यादातर फिल्मों मैंने कभी कपड़े नहीं उतारे। हाँ वो कपड़ों के अंदर ही इतनी अच्छी लगती है। नहीं, जो ज़रूरत नहीं है उसको क्या करना। आप अभी सबके पास कपड़े हैं तो बनियान में कौन घूमता है, आप समझे। तो ऐसे मैं, वो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो करेक्टर आप कर रहे हो
अब ग्रैंडफादर तक का रोल किया मैंने साउथ में, तो उसी तरह रहो जैसे जैसे वहाँ उसके अंदर अगर कुछ ऐसा सीन है कि स्टिल दिस ग्रैंडफादर कैन सरप्राइज एनीबॉडी, तो उसके क्या मूवमेंट है उसमें हम कर सकते हैं, उसका उसको फ़ायदा उठा सकते हैं उस चीज़ का। एक सर और काफ़ी एक्साइटिंग सवाल है, थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन, कि सर आप बहुत सारी मूवीज़ में पॉलिटिशियन बने हैं, मिनिस्टर, और जिसमें नहीं भी बनते उसमें आप भाई होते हैं तो आपकी सरकार आ ही जाती है। तो सर जैसे रियल लाइफ में आप पॉलिटिशियन बने, कभी असली ज़िंदगी में रियल लाइफ में भी आपका इरादा है इलेक्शंस में आने का, नेता बनने का, देश के लिए काम करने का? नो नहीं। कोई वजह सर? नहीं कोई वजह मुझमें है नहीं, मैं कन्वेंसिंग करता हूँ जिन्हें मेरे दोस्त लोग हैं उनके लिए, कई बार गया हूँ जाता हूँ। नहीं सर, लेकिन मुझमें है नहीं। नहीं 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 सर, आप पॉलिटिशियन को ये मैं समझे कि मैं बन सकता हूँ, नहीं सर, बहुत मुश्किल जॉब है वो, प्रॉपर जॉब है। एक वन हैज़ टू रिस्पेक्ट दैट पॉलिटिशियन इज नॉट कि चल भाई कुछ नहीं हो रहा तो मैं कर लेता हूँ, नहीं साहब, पॉलिटिशियन एक उम्मीद है। उस वक्त उस गरीब आदमी की आप उम्मीद बनते हो, जैसे पॉलिटिशियन कपड़ा पहनते हो और अपने आप कन्फर्म हो जाते हो तो आप उस गरीब आदमी की उम्मीद हो। कितनी की उम्मीद है, वो कितनों को पूरा करोगे, क्या तकलीफ़ें आएंगी, सब आता है। तो ये जब आपके अंदर होता है तो फिर आप उतनी ही तकलीफ उठाते हो जितनी मैं आज एज एन एक्टर कहीं शूटिंग कर रहा हूँ, ठंड का मौसम है, 6 डिग्री टेम्परेचर है और कपड़े वैसे हैं गर्म नहीं हैं, तो हम करते हैं तो वो तकलीफ हम उठाते हैं, कि वो मुझ में है, मैं प्रिपेयर्ड हूँ उसके लिए, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ गए, कितनी गर्मी में, क्या नहीं फ़र्क, क्योंकि मैं उसे इंजॉय करता हूँ कि मेरा काम है। लेकिन उसके विरुद्ध चला जाऊँ तो फिर बात बनती नहीं ना। झूठ क्यों, अपने से क्यों झूठ बोलूँ कि रात को 2 बजे मैं उठ जाऊँगा कोई तकलीफ लेके आएगा, है नहीं मुझ में। तो हर काम मेरा नहीं है, और जो कर रहे हैं वो उनकी वो स्पेशलाइज हैं उसमें, वो उनके अंदर है वो भावना है, इसलिए बेटर है। करेक्ट सर, एकदम करेक्ट सर। और सर कुछ इंस्टाग्राम पे आपकी बहुत चर्चा होती है, आप और विंदु दारा सिंह जी और एक और आपके फ्रेंड है मोदी जी, मतलब मिनिस्टर नहीं, राजन मोदी, राजन, तो इनके साथ आप रील्स पे डांस करते हैं, कोई देख मतलब समझ नहीं आता कि ये तो आप हैं, आप में इतनी एक फनी एक नोटोरियस साइड भी है, थोड़ा वो भी बता दें ये शौक कैसे है। ये लोग ही करते थे, राजन मोदी उसमें से सबसे शरारती आदमी है। हम लोग फिल्म साथ में कर रहे थे, मैं फिल्म बना रहा था, एक बेटे को लॉन्च किया था उसमें, पंजाबी फिल्म है निडर, तो उसमें ये लोग खाली बैठे रहते थे तो खाली कुछ ना कुछ करते रहते थे, फिर मेरे पास आते थे और मैं उस वक्त एक्टर के साथ साथ रोल कर रहा था, प्रोड्यूसर भी था, तो आके करते थे आओ पाजी कुछ करना है, तो बार बार मैं कह यार तुम जो बोलना मुझे बोलो, वो बहस नहीं करनी, क्या करना बोलो, अच्छा पाजी ये बोल दो। तो करते करते वो बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, है ना, हिंदू जी और तीनों ने, वो आ जाते थे, अच्छा पाजी ये करते हैं, ठीक है मैं करके फिर चला जाता था। तो anyway, वो होता रहा, फिर बाद में हम उसे फॉलो करते रहे, फिर कुछ रिएक्शन देखे सब ने, तो उनको लगा कि हमारी इमेज में ये चीज़ें लोगों को पता ही नहीं है, तो फिर हमने कहा इसको सादा ही रखेंगे, इसके लिए तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, बकवास करो, ताकि दूसरे रूप तो वो देख चुके हैं जी, तो ये रूप इंजॉय कर रहे हैं कि हम भी फन हैं, हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी सब ये हरकतें हैं बच्चों वाली, तो उस तरह बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ लोग पसंद करते हैं, तो ठीक है उसमें ऐसे शुरू हुआ वो। और सर आपके बेटे हैं राघव ऋषि, बहुत बाकमाल एक्टर हैं, उनकी मूवी भी आई थी, तो आप खुश हैं, आप चाहते हो आगे एक्टिंग ही करें, आपकी लीनियज लेगेसी बढ़ाएं, आपका क्या टेक है? कोई फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं, एक देखो बाप के पास जो होता है वो कोशिश करता है कि अगर हैंडओवर होती है ना चीज़ें, कि आप इंटरेस्ट है तो सबसे पहले तो यही ऑफर कर सकता हो, तो मैंने उन्होंने एक फिल्म पहले की थी तो मैंने कुछ देखा था उस, तो मैंने बोला ये हो सकता है, तो पंजाबी मेरी लैंग्वेज है तो मैंने कहा क्यों ना पंजाबी में बनाई जाए, तो कोशिश की बनाए, और ये रोल था फादर एंड सन की कहानी थी। सर क्या नाम था? रिलीज निडर नाम था उसका, रिलीज़ हो गई थी फिल्म, तो अब आगे उनकी जैसे इच्छा होगी वैसे करेंगे जी सर। और सर कोई आप अगर यूथ को, हमारी आपकी बॉडी इतनी अच्छी है तो अपना थोड़ा डाइट या फिटनेस रिजीम कुछ शेड्यूल आप बता पाएँ, यूथ को मोटिवेट करना चाहें तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं सर कुछ लाइनें। यूथ को सबसे बड़ी एक ही चीज़ है, सब पहली और आखिरी के कंफ्यूज बहुत है रहता है यूथ, आपने क्योंकि इतना पढ़ लिया है, इतना देख लिया है मोबाइल में, सब कुछ देख लिया कि बॉडियाँ बनी पड़ी हुई है सामने दिख रहे हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होइए। आप जब पैदा हुए थे
तो 3 साल के थे आप, तो किंडरगार्टन में गए थे, छोटे से स्कूल में गए थे, उसके बाद आप स्कूल में गए 1, 2, 3, 4, 10, 12, ये सब करके आप बड़े हुए हो, तो शरीर भी वैसा ही है, शरीर को भी टाइम दीजिए। और शरीर से बड़ा दोस्त कोई नहीं है, अगर आप इसका ख्याल रखेंगे, ये आपका हमेशा ख्याल रखेगा, इसकी इसकी इसके इसकी ध्यान रखने से इसकी सोच जो आपकी बदल जाएगी। तो जाएं तो कंफ्यूज मत होएं। और एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप वहाँ मत पहुँच जाइए जिसको बनाने में 20 साल लगे, वहाँ मत पहुँचिए। आप ज़िंदगी में एक या दो बार ही होगा जब 2 क्लासें पास कर सकते हैं, वो भी उस वक्त कर सकते हैं जब आप ज़रूर से ज़्यादा पक जाते हैं, मतलब ज़रूर से ज़्यादा आपको उस चीज़ की समझ आ गई है, तो आप 2 क्लासें पास कर सकते हैं, इस तरह जंप नहीं लगते। तो शरीर जो है ये वो चीज़ है जो जब तक सांस चल रही है आपके साथ है, तो इसको ना तो आप ये सोचिए कि ये बन गया, अब मेरा घर बन गया, अब मैं साल में इसका वॉश करा दूंगा, मेरा काम हो गया। शरीर वो चीज़ नहीं है, ये एवरी डे आपकी ज़िंदगी के साथ साथ चलता रहेगा, उसको ध्यान रखना, उसको करना। ना तो आप एक दिन में सारा हासिल कर लीजिए, ना हो सकता है, ना आप सोच लें कि अगले 20 साल मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है, ये शैडो है, इसको एंजॉय कीजिए, और उतनी ज़रूरत को महसूस कीजिए कि आपकी ज़रूरत क्या है, क्या है, अब क्यों इसकी ज़रूरत है कि इसको जॉन इब्राहिम लगना चाहिए, क्या तुम्हारी ज़रूरत है? नहीं, पहले पढ़ो तो सही, 10 क्लास तक 12 क्लास तक पहुँचो, फिर तुम्हें खुद ही समझ में आएगा कि मुझे इसमें कितनी मेहनत करनी है, मुझे क्या चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं दिन भर काम करूँगा, कितना समय निकलेगा, समय निकालना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप फॉलो करेंगे एक गोल बना के, आप गोल टू गोल अचीव कीजिए, बजाय इसके कि समझ लें कि वो जिन्होंने 30-30 साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं और उनके मसल्स का साइज़ बड़ा है और आप फट से कर लेंगे, ऐसा नहीं होता और ज़रूरत नहीं है। नेचुरल रेंज नहीं करिए, लेकिन आप समझ लीजिए ना, आप जाइए तो सही, आप जाके करेंगे तो आपको पता चलेगा ना। आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपको ये सोचे कि मैं एक्सरसाइज करूँगा ये बन जाऊँगा, नहीं होगा, क्योंकि आप नहीं निकाल पाएंगे 1-1.5 घंटा से ज़्यादा। अगर 1-1.5 घंटा करेंगे तो आपको नींद आएगी, तो वो आपको अपने शरीर के अंदर वो ताकत पैदा करनी है कि डे टू डे लाइफ के जो दिन है, टाइम है, उसमें 1.5 घंटा वो ऐड करेगा आपका माइंड, कि वो थकेगा नहीं। ये आपको समझाना पड़ेगा शरीर को, शरीर इतनी ताकतवर चीज़ है, वो कौन सा शरीर है जो दिन जो 500 रुपये में सारा दिन खोदता है, मजदूर स्पेशल नहीं है, उसको पता है, शरीर को पता लग चुका है कि मैं नहीं करूँगा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसके स्टोर है वो एनर्जी, ऐसा ही हम हैं, लेकिन हमें बनाना पड़ेगा। तो वो चीज़ें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो जो आप रिस्पेक्ट करें उस बात की, तो समझें भाई शरीर जाओ, खुद पता चलेगा आई कैन बेटर, ये बेटर हो सकता है, इसको मैं और इन्जॉय कर रहा हूँ, इन्जॉय करो। सीधा ही आपने सोच लिया, नहीं होगा, क्योंकि ज़िंदगी नहीं है ना हमारी, तुमने पढ़ना है, तुम मेडिकल में जाते हो 8-10 घंटे वहाँ जाते हो, तो कैसे होगा? फिर वो टाइम तुम्हें निकालना है अपने लिए, फिर तुम्हें पता चलेगा कि यस आई एम गेटिंग बेटर, मुझे और थोड़ी मेहनत करूँगा तो आई कैन डू दिस। वो उस तरह के गोल जो है बनाइए, सब बैलेंस करें और खुद एक्सप्लोर करें। हाँ, क्योंकि सिर्फ शरीर तो हो ही नहीं सकता ना आपकी लाइफ, दिमाग भी है। एक एक्टर है, अब उसको पता है, अब मुझे पता है कि मुझे अपने शरीर के लिए टाइम बचाना ही बचाना है, और बचता है इसलिए क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर सकता हूँ। आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पढ़ना है, वो पढ़ाई 10-12 घंटे की, आईएएस बनना तो 16-16 घंटे आप पढ़ते हो, उसमें से पॉलिटिशियन हो तो आपको पता ही नहीं कब समय निकलेगा, लेकिन निकालने वाले निकालते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी सुबह 1 घंटा निकालते हैं, हमारे मोदी जी एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। तो ये ताकत आपको, शरीर इतना ताकतवर है, आप इसकी इस ताकत को उस तरह यूज़ कीजिए, वो ताकत दूसरी है, इतना वेट उठाए, पहले ये तो उसके अंदर आने दीजिए, फिर वो आपको बताता है। तो सर, अब जाते जाते आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे, जो आपका लाइनअप है, अपने फैंस के लिए आप प्लीज़ शेयर करें, कौन से आपके प्रोजेक्ट्स हैं, क्या क्या हैं? अभी कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक तो रोहित शेट्टी साहब की एक सीरीज़ है इंडियन पुलिस के ऊपर, कॉप यूनिवर्स में आपकी एंट्री हो गई है, मतलब अब उनके
हाँ अब तो रिलीज हो गई है, और इसी में ही मेरी एक फिल्म और है, तेलुगु फिल्म सैंडोज, वो वहाँ के बड़े एक्टर हैं, उनकी 75th फिल्म है, वेंकटेश जी की, हाँ तो उनका 75th फिल्म है। और फिर एक पंजाबी में फिल्म है जो मार्च में रिलीज़ होगी, उसका नाम नानक नाम जहाज़ है। तो इस तरह ही वैरायटी ऑफ, जैसे जैसे जहाँ जहाँ जो मेरा सिस्टम चल रहा है, जहाँ जहाँ से कॉल आती है वो करता रहता हूँ। नहीं सर, अब आप एक्टर ही सर इतने अच्छे हैं, आपके इतने ज़्यादा चाहने वाले हैं, हम तो चाहें अभी तो 9 बजे तक इंटरव्यू चल जाएगा पर सर अब वाइंड अप भी करना ही है जैसा आपने भी कहा। तो दर्शकों, ये मुकेश ऋषि जी थे, बहुत ख़तरनाक विलेन थे, पर आज इनकी बातें सुन के आपको लगा हो कि दिल से सच्चे और बहुत अच्छे हीरो हैं, और अब आप लोग ऐसे ही हमें प्यार देते रहें और हम आपको ऐसी ही प्यारी प्यारी शख्सियतों से मिलाते रहेंगे। और देखते रहिए लहरें टीवी। नमस्कार। थैंक यू।